ये है 207 DIEX पावर स्टेरिंग का है। इसका क्राउन का प्रॉब्लम है, तो क्राउन हम लोग अभी खोल रहे हैं। क्राउन में बैबल पिनियन गया हुआ है और साथ में आपका उसका टेल पिनियन का बेरिंग भी गया हुआ है, तो खोल रहे हैं। खोलने के बाद फिटिंग करते टाइम आपको दिखाएंगे। ये है टेल पिनियन का ये बेरिंग गया हुआ था और ये बेरिंग गया हुआ था, तो अभी हम लोग बेरिंग को फिटिंग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से हम लोगों ने ये जो कुंस है कुंस को निकाल दिया, उधर का कुंस इधर का कुंस भी निकाल दिया। ये रहा वो कुंस, कुंस को निकाल दिया। अभी कुंस को फिटिंग करना है। इधर का कुंस, ये अंदर का कुंस यहाँ पे रहेगा और एक कुंस रहेगा बाहर के साइड से। तो हम लोग अभी कुंस को फिटिंग कर लेते हैं टेल पिनियन का कुंस को और आपको दिखाते हैं। इसको भी फिटिंग कर रहे हैं। ये भी फिटिंग हो गया अच्छी तरह से, उससे अच्छे फिटिंग हो रहा है अभी। चुलबुले चुलबुले ए वसड़ भाल के हमें दे वसड़ धरते नहीं तो धरते धरते ला ऐता इतना इधर पल पर भरो इधर पल पर भरो अब ये कंप्लीट हो गया। और जब भी क्राउन फिटिंग करेंगे तब भी एक चीज का देखिएगा, ये पूरा फ्री होना चाहिए, पूरा फ्री, जाम भी नहीं और प्ले भी नहीं। उधर से जब भी टेल पिनियन आप चेक कीजिएगा, टेल पिनियन का नट जब टाइट देंगे तब टोटली फ्री होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि पूरा जाम हो जाता है। जाम होने की वजह से क्या होता है, टेल पिनियन का आपका बेरिंग जाने का खतरा रहता है और ऑयल सील भी जाने का खतरा रहता है, गर्म हो जाता है ना, हीट हो जाता है उसकी वजह से। तो फ्री रहना चाहिए, बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, देख रहे हैं बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। तो हालांकि ये अभी हो गया, क्राउन हम लोगों ने फिटिंग कर दिया, उधर से एक्सेल भी लगा दिया, एक्सेल भी उधर से फिटिंग हो गया, इधर से एक्सेल भी फिटिंग हो गया। अभी इसका कवर लगाना बाकी है और उधर से सफ्टिंग पॉपुलर सफ्ट को लगाना अभी बाकी है। तो लगा के और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। और देखिए ये जो एक्सेल है, एक्सेल का जब भी आप ये नट टाइट देते हैं तो इस साइड वाला नट थोड़ा सा और उस साइड वाला नट थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके सपाना है, क्योंकि अगर ये फिटिंग गड़बड़ होता है तो इसका बेरिंग ऑयल सील जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए जब भी ये एक्सेल इसका लगाइएगा, ये हालांकि आपका ये ई एक्स है, ई एक्स में ये खतरा रहता है, मतलब वो
ऑयल सील बेरिंग को ख़त्म कर देता है, बेरिंग को टूटा देता है और एक्सेल निकलने का चांस रहता है। तो इसलिए जब भी टाइट दीजिएगा तो ये जो नट है, ये नट थोड़ा सा टाइट दीजिएगा, वो नट, ये नट, वो नट, थोड़ा थोड़ा करके इसको सपाना है, इसको टाइट देना है। और एक ही साइड वाला अगर फुल टाइट दे देंगे तो क्या होगा, आपका ये ऑयल सील जाम हो जाएगा, ऑयल सील जाम होने की वजह से बेरिंग जाने का खतरा रहता है। तो थैंक यू, यही इन्फॉर्मेशन देना था। अभी इसमें कवर लगाते हैं, गेयर ऑयल डालते हैं और गाड़ी को रिलीज देते हैं। तो थैंक यू सो मच। कवर अभी फिटिंग हो गया, अभी गेयर ऑयल डालेंगे, वेल्वोलिन का गेयर ऑयल है, गेयर ऑयल डाल के उसके बाद सेटिंग लगाएंगे।